हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना सारा सामान फैला पड़ा है, सारा कपड़ा फैला पड़ा है और मैं यहीं पर लेटी हुई हूँ। तो ब्लॉग आज मैंने ही शुरू किया है, मैंने कुछ भी नहीं अभी कोई सा वीडियो कुछ नहीं शूट किया है। तो मैं सोचा चलो ब्लॉग शुरू कर देते हैं। और देखिए पूरी जो यहाँ पर पेटी है वो आधी खाली हुई है। कहते हैं अलादीन का चिराग, अलादीन की पेटी है खजाना, अलादीन का खजाना, उसमें सारे बस कपड़े कपड़े और कुछ भी नहीं है। पुराने कपड़े सारे, एक भी नए भी नहीं है। इन सबको मुझे ना तह मारनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सब उलझ पुलझ हो गया था ना, इसमें जगह भी नहीं थी कपड़े रखने के। तो सोचा मैंने कि इनको तह मार लेती फटाफट, ब्लॉग भी शुरू कर लेती। अभी बनाने दूंगी मैं चाय, थोड़ी सी चाय पीऊँगी उसके बाद। तो आप लोग में से पहले तो मैं आप लोग को थैंक यू बोलती हूँ, सबको जितने मेरे यूट्यूब फैमिली है, फ्रेंड हैं, जो भी हैं, जो इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट पढ़ के। और उनका भी थैंक यू जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे वीडियो बनाना छोड़ दो, तो यार मैं आप लोगों को कहने पर वीडियो बनाना क्यों छोड़ दूँ? आपको नहीं अच्छा लगता वीडियो मत देखो। मेरे बहुत सारे व्यूवर हैं जो मेरे वीडियो देखना पसंद करते हैं। अगर आप लोग पसंद करते हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, पसंद करते हैं ना। बस छोटी सी अपडेट दे रही हूँ मैं, और मैं आप सब लोगों से पूछ रही हूँ तो क्या मैं सच में वीडियो बनाना बंद कर दूँ? ऐसे में बहुत सारे कमेंट आया, वीडियो बनाना बंद कर दो, वीडियो बनाना बंद कर दो। यार क्यों वीडियो बनाना बंद कर दूँ मैं यार आप लोगों के कहने पर? है मेरा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है वॉश करना। मन करता है वॉश करिए, मन करता है मन वॉश करिए, है कि नहीं? तो कुछ नाश्ता मैंने कर लिया है, क्योंकि आजकल मैं नाश्ता पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसकी वजह से। और मुझे डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन इतनी कहते ना जब प्रॉब्लम होती है तो मैं मुझे मतलब जैसे जब जो डॉक्टर के बैठने का टाइम ख़त्म हो जाता है ना, मेरे से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा हाथ से, इतनी मेरे अंदर वीकनेस हो गई है। और इस हाथ में इतनी प्रॉब्लम है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये हाथ मेरा बिल्कुल सुन्न हो गया, मैं जैसे खाना भी नहीं उठ पाता, जैसे खाना ऐसे उठा के खाती हूँ ना तो ये चीज़ ना मुँह तक नहीं जाता है, ऐसा लगता है कितना भारी हो गया यहीं से। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है मेरे हाथ में, क्या नहीं है, किस डॉक्टर को दिखाऊँ, मुझे इतना भी नहीं पता है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ अपने इस प्रॉब्लम को लेके। ये हाथ बिल्कुल ठीक है मेरा, इस हाथ में पता नहीं क्या हो गया है। मैं मतलब नहीं, ये इस हाथ से कुछ भी काम नहीं हो रहा मेरा। और ये मेरा सीधा हाथ है, आपको पता है सीधा हाथ नहीं पकड़ा जा रहा, इससे फोन नहीं आ रहा। और मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड भी मेरा कहीं और छूट गया है, तो क्या करूँ? जैसे तैसे करके बस मैं वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत किया करो यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं, और फिर आप लोग ऐसे बोल गए। तो बस फ्रेंड इतनी छोटी सी अपडेट देनी थी मुझे, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या सच में वीडियो डालना बंद कर दूँ, है ना? तो जब मैं वीडियो भी शुरू करूँगी इसको पब्लिश कर देती हूँ पहले, आप लोग को तो पहुँचा देती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ शुरू करती हूँ। इसे ही सब तह मारूँगी, सफाई करूँगी घर की, कुछ किचन वगैरह सब साफ करना है। बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जा रहा इस हाथ से फ़ोन यार, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, कल से हो रहा है। मैं कल से जैसे खाना से उठाती हूँ ना, देखिए ये चीज़ ना बहुत भारी लग रहा है, इतना लग रहा है भी ना कि यहाँ तक नहीं जा रहा है। और बिल्कुल ये सब हाथ बिल्कुल ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं हो पा रहा है ऐसे। मैं तो सोच रही थी कल कि आप तो सूजन है मेरे हाथ में, इसकी वजह से क्या है, वैसे ब्लड नहीं है क्या है, तो मुझे हीमोग्लोबिन भी टेस्ट करवाना है। बाहर इतनी धूप है, इतनी धूप है ना, मन नहीं कर रहा जाने का, फिर जाऊँ तो कपड़े चेंज करूँ फिर जाऊँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा आज, नहीं तो कल डॉक्टर को तो दिखाना है, डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है ना, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए, इससे अच्छा पहले ही चेक करवा लेती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, छुटकू सा वीडियो है मेरा, मिलते हैं नया ब्लॉग में, तकलीफ आप ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू माय यूट्यूब। हेलो एवरीवन, इवनिंग, वेलकम बैक टू माई ट्यूब। कैसे आप सब? अभी शाम का टाइम है, 4 बज चुके हैं और मेरी हालत आप देख सकते हैं पसीने से कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अभी मैंने एक छोटी सी अपडेट दी थी एक वीडियो में कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाने का बिल्कुल मन कर रहा,
गर्मियाँ जैसे थी, थोड़ी सी बारिश आई थी और गर्मी बढ़ गई है। फिर धूप में जब बारिश आती है ना तो गर्मी और बढ़ जाती है, तो कभी हो रखा है अभी। और देखें यहाँ पर घूमने वाले कपड़े, मेरे मन तो बिल्कुल भी नहीं है, कल भी मैंने नहीं धोए थे कपड़े, फिर आज भी नहीं धोऊंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसकी वजह से क्या धोने पड़ेंगे। अभी किचन में बर्तन धो रही थी, कुछ बर्तन रह गया थे धो लेती हूँ। रूम अभी मतलब रूम में पोछा मारना है, बहुत काम तो भी बहुत सारा पेंडिंग नहीं है। पंखे की नीचाई भी, तो चलिए काम कर लेती हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो शुरू कर लेती हूँ। वीडियो शुरू करूँगी तो शाम तक कुछ बन जाएगा वीडियो। और देखिए कल जैसे सामान आया है ना मेरा, देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। फिर बैठ गई मैं, अब बैठ जाऊँ फिर मेरा उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो कल मैं ये लाइक मॉल गई थी तो वहाँ से मैं ये डब्बा लेकर आई, क्योंकि मेरे को उसमें सामान रखने के लिए ना बहुत ज़रूरी हो गया, डब्बा बहुत कम हो गया, कम है। तो वही मैं लेकर आई हूँ। और ना क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे भी मैंने आपको लोगों को बताया था ना कि मुझे बोला जा रहा था कि वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, तो यार मैं क्यों नहीं वीडियो बनाऊँ, आप लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट है, मैं अपने अपने हाथ दर्द की प्रॉब्लम बताई थी तो उसमें बोला था, तो वहाँ कमेंट आया है कि शायद एक तरफ के सो जाने से नस दब गई होगी इसकी वजह से, पता नहीं आई थिंक। लेकिन कंटिन्यू आज दो दिन हो गया है, कल से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तब तक तो ठीक हो जाना चाहिए था, सोने से होता है तो ठीक हो जाता, अभी तक तो हुआ नहीं है। लेकिन देखते हैं कब तक ठीक होता है। चलिए थोड़ा सा इधर भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, बस किचन साफ कर करूँगी मैं, किचन में आज कुछ नहीं करने वाली मैं। जैसे सामान है ना आज, वो ही जो पेटी के अंदर का जितना सामान है, सब सारे कपड़े मैंने निकाले, सबको सही किया। और मैं कल वो लेकर आई कॉफ़ी मग का सेट, चार पीस का, तो ये है तो मैंने निकाल दिया कि नहीं, तो रख दिया इसको, रख दो संभाल के। चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में।